पता नहीं क्या काम होता है इसे इतनी रात को, वो भी इन कपड़ों में। आंटी आपने कुछ कहा? हाँ कहा, इन कपड़ों में मेरे कमरे के आगे से तो निकला मत करो, घर में छोटे बच्चे भी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? पर आंटी कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? और जब मैंने घर रेंट पर लिया था तो आपने कहा था कि इंडिपेंडेंट फ्लैट है, फिर ये सब। उस वक्त तुमने भी नहीं बोला था ना कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो। मेरी बात सुनो, कल से पीछे वाले गेट से आना जाना, समझे? तो पर आंटी पीछे वाले गेट के लिए तो गली से होकर आना पड़ेगा, बहुत लंबा रूट है और वहाँ अंधेरा भी होता है, इट्स नॉट सेफ। वो मेरी हेडेक नहीं है। पर आंटी ये कहाँ से आ रही हो तुम और ये लोग कौन है? आंटी मेरे फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है ना, तो दिस इज स्मॉल पार्टी एट होम। बर्थडे है तो मैं क्या करूँ? ये क्लब नहीं है, मेरा घर है। और कौन सी पार्टियाँ होती है रात को लड़कों के साथ? आप लेके जाओ इन लफंगों को यहाँ से। आंटी प्लीज, आई एम रियली सॉरी टू से, बट आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। लिमिट तुम क्रॉस कर रही हो, ये नाच गाना हो हल्ला क्लबों में चलता होगा, मेरे घर में नहीं। और तुम दोनों जाओ यहाँ से। नेहा, आई थिंक हम दोनों में चले जाना ही यहाँ से बेटर है। हैप्पी बर्थडे। आंटी, आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए। आंटी ये दरवाजा अब रात के 10 बजे के बाद नहीं खुलेगा। मुझे लगता है तुम्हें समझाने का मेरे पास ना अब यही तरीका है। तुम्हें जहाँ मर्जी जाना है जाओ यहाँ से। आंटी अब क्या कह रहे हो, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? प्लीज दरवाजा खोल दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं नहीं खोलूंगी, जाओ यहाँ से। आंटी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं थोड़ी सी लेट थी और आपने दरवाजा लॉक कर दिया। देखो मेरे यहाँ रहना है ना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये देर रात तक घूमना फिरना और वो भी इन कपड़ों के साथ मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आंटी इनफ, अब किसने हक दिया है कि आप मुझे या किसी और को जज करें उनके कपड़ों के बेसिस पर? आप साड़ी पहनती है ना बिकॉज आप उसमें कंफर्टेबल है। मैं ड्रेसेस पहनती हूँ, स्कर्ट्स पहनती हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। आप इतनी जजमेंटल कैसे हो सकती हैं? अच्छा मैं जजमेंटल, और तुम्हारा क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें कई बार देखा है श्रेया को उसके कपड़ों और लाइफस्टाइल को लेके उसे ह्यूमिलेट करते हुए। कहाँ रह गया था वो? हमारे सोसाइटी में नई लड़की है ना श्रेया, उसे बुलाने आया था। मैंने सोचा हम सब बैचलर्स पार्टी कर ही रहे हैं तो उसे भी बुला लेता हूँ। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? हाँ बहन जी है वो, हमारे साथ पार्टी करेगी वो। लो आ गई। क्या पहन कर आई है तुमने? हाँ ऐसे करेंगे पार्टी। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? वो गॉड भजन कीर्तन करने आई हो क्या? कपड़े चेंज करके आओ, वरना आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ। क्या बात है, तुम ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? तुम तो प्राणायाम करने वाली बहन जी थी ना, तो फिर ये गुड गर्ल आज ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही है? सुनो तुम ना कभी मेरी तरह बन ही नहीं सकती है, ठीक है? तो बराबरी करने की कोशिश मत करो बहन जी। देखो बेटा, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें तुम्हारे कपड़ों और लाइफ स्टाइल के लिए जज ना करे तो तुम्हें भी इसका ख्याल रखना चाहिए ना। आंटी अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे श्रेया के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry. चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब चलो अंदर। I'm sorry. Can we be friends? अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।